चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं ना जिसे देखकर आपको मजा भी आएगा और एक नया चीज सीखने को ही मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन यदि आप ट्रिक जानते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर को बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। इसलिए यहां पर देखिए मैंने क्या लिख रखा है, शर्त यह है कि शर्त ही बहुत क्या है, खतरनाक है, और इन खतरनाक शर्त के आधार पर क्या करना है, इस प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। तो वो शर्त क्या है, चलिए मैं आपको वो शर्त बता देता हूं। आम का सीजन चल रहा है तो एक बगीचे में 25 आम के पेड़ थे। ध्यान देना है, शर्त थोड़ा हटके है, 25 आम के पेड़ है और 5 भाई है। पांचों भाई को आम तोड़ने के लिए भेजा गया, लेकिन यहां पर शर्त प्रारंभ यह होता है कि पहले भाई को कहा गया कि आप 1 से लेकर 5 तक के आम के पेड़ से आम तोड़ेंगे, लेकिन करना क्या है, सभी भाई को आम का पेड़ दिया गया क्योंकि उसको क्रमांक कर दिया गया, मतलब 1 से 25 तक के आम के पेड़ को नंबरिंग कर दिया गया, और यह कहा गया कि पहले भाई को 1 से लेकर 5 तक मिला, दूसरे भाई को 6 से लेकर 10 तक, तीसरे भाई को 11 से 15 तक, चौथे भाई को 16 से 20 तक, और पांचवें भाई को 21 से लेकर 25 क्रमांक तक के आम के पेड़ को दिया गया और आपको आम तोड़ने के लिए कहा गया। तो वो पांचों भाई गए और आम तोड़े गए, लेकिन शर्त ये था कि हर भाई जिस क्रमांक के आम के पेड़ में जाएगा और उसमें जो क्रमांक लिखा होगा उससे दुगुना आम तोड़ेगा, मतलब पहला भाई यदि पहले आम के पेड़ के पास गया तो वहां वो 2 आम तोड़ेगा, दूसरे आम के पेड़ के पास जाएगा तो 4 आम तोड़ेगा, अगर पांचवें आम के पेड़ के पास जाएगा तो वो 10 आम तोड़ेगा। उसी प्रकार हम किसी भाई की बात करें, अगर यहां पर पांचवें भाई की बात करें, जब वो 21वें नंबर के आम के पास जाएगा पांचवा भाई, तो वो कितने आम तोड़ेगा, वो 42 आम तोड़ेगा। उसी प्रकार सभी भाई की बात करते हैं, अगर तीसरा भाई जो है 13वें नंबर के आम के पेड़ के पास जाएगा तो वो 26 आम तोड़ेगा। पहला शर्त यह हो गया। दूसरा शर्त यह है, पांचों भाई को जब आम बांटा गया, याद रखिए सभी जो है 5 आम के पेड़ों से आम तोड़ के लाएगा, लेकिन शर्त आपको समझ आ गया है, 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर के क्रमांक से जब आम तोड़ेगा तो वो क्रमांक से दुगुना आम तोड़ेगा। अब क्या करना है, जब आम का बंटवारा करना है ना, तो प्रत्येक भाई ये चाहता है कि हर भाई आम तोड़कर जो लाया है वो चाहे किसी भी आम का पेड़ का हो, मतलब प्रत्येक भाई आम तोड़ा है वो सभी भाई को मिलना चाहिए, मतलब चाहे वो एक ही पेड़ का क्यों ना हो, लेकिन हर भाई द्वारा तोड़े गए आम को रखता है। तो अब आपको बताना है कि आम का बंटवारा कैसे करें कि प्रत्येक भाई को बराबर आम मिलना चाहिए, भाई आम भी बराबर मिल जाए और पहले भाई को आखिरी भाई द्वारा तोड़े गए आम भी मिलने चाहिए, और मतलब यहां पर दूसरे भाई द्वारा तोड़ा गया आम इस पांचवें भाई को ही मिलना चाहिए। उसी प्रकार सभी भाई द्वारा तोड़े गए कुछ ना कुछ आम जरूर मिलना चाहिए। तो चलिए अब आप इस वीडियो को देखिएगा और इस शर्त के आधार पर आपको क्या करना है, प्रश्न को बनाना है। अब देखिए, आम का बंटवारा करना है तो इसके लिए मैथ्स के जीनियस ही इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, और आपको ही मैथ्स के जीनियस बनने हैं ना, तो इस वीडियो को देखिए। और ऐसे ही बेहतरीन मैजिक स्क्वायर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आपको इस चैनल में एक प्लेलिस्ट मिलेगा गणित के जादुई पहेली, वहां पर जाइए, आपको सभी प्रकार के वर्ग पहेली को कई प्रकार से बनाकर सिखाया जाता है। सबसे पहले देखिए, यदि हम ये शर्त के आधार पर इस प्रश्न को बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए, हमें यह तो पता है कि हमारे पास 1 से लेकर 25 तक के पेड़ है, और ये जो पेड़ है वो आम कैसा देता है, मतलब पहले पेड़ से आपको 2 आम तोड़ने हैं, दूसरे से 4 तोड़ने हैं, तीसरे से 6 तोड़ने हैं और 25वें नंबर से 50 आम तोड़ने हैं। यहाँ पर हमें एक क्या मिल गया है, सीरीज मिल गया है ना, एक समांतर श्रेणी मिल गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो वर्ग पहले दिख रहा है इसमें हमें इस प्रकार बांटना है कि सभी भाइयों को आम मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, सभी भाई के द्वारा तोड़ा गया आम सभी भाई को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। तो मैं यहाँ पर देखिए आपको एक एक कलर में भरूंगा, 5 भाई है तो 5 कलर में भरूंगा, ताकि सभी, जैसे ये पहले भाई के लिए मान ले जाए, यहाँ पर हम लिखते हैं ये पहले भाई के लिए, दूसरे भाई के लिए, तीसरे भाई के लिए, चौथे भाई के लिए या फिर पांचवे भाई के लिए करते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हल करने का मैं 2 तरीका बताने वाला हूं, और दूसरा तरीका तो बेहतरीन है। पहले ये वाला बताता हूं, ये भी हटके है लेकिन इसको हम एक विशेष विधि से बांट सकते हैं। अब देखिए, मान ले जाए हम क्या करेंगे, पहले भाई द्वारा तोड़े गए आम को अब मैं अलग अलग कलर में भर रहा हूं। जैसे पहले भाई द्वारा आम तोड़ा गया तो पहले पेड़ पर जाएगा तो वो 2 आम तोड़ेगा, दूसरे में 4 तोड़ेगा, तीसरे में 6 तोड़ेगा, फिर चौथे में 8 तोड़ेगा, और पांचवें आम के पेड़ में वो कितना आम तोड़ेगा,
10 आम तोड़ेगा। तो ये पहले भाई द्वारा तोड़ा गया जो आम है ना, देखिए अगर सभी भाई में बंटवारा करेंगे तो हर भाई को मिल जाएगा निश्चित रूप से। लेकिन जैसे ही दूसरे भाई की बात आती है, जैसे दूसरे भाई के द्वारा, इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, दूसरे भाई द्वारा तोड़ा गया आम भी सभी को मिलना चाहिए, है ना। तो यहां पर देखिए अगर मैं यहां से प्रारंभ करूंगा ना तो संख्याओं का योग सही नहीं होगा। तो 10 के बाद अगले भाई को छठवां नंबर से मिला था, तो 6 के बाद कितना आम तोड़ेगा, 12 यहां पर तोड़ेगा, 14 आम यहां पर तोड़ेगा, 16 यहां पे तोड़ेगा, 18 आम यहां पे तोड़ेगा, और जो 20 आम तोड़ेगा 10वें नंबर के पेड़ से उसको आपको यहां पे भरना है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये पहला भाई है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भाई है, सभी भाई को सभी भाई के द्वारा तोड़े गए आम कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, मिल जाएंगे। अब देखिए यहां पर हो गया, अब तीसरे भाई के लिए फिर हम एक अलग कलर ले लेते हैं, यहां पर रेड कलर ले लेते हैं हल्का से, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, हमने भरना प्रारंभ किया था, इस प्रकार हमें भरना होगा, तिरछा भरना होगा। अब 20 के बाद यहां पर क्या करेंगे, 22 आम यहां पे आएगा, 24 यहां पे आएगा, 26 यहां पे आएगा, उसके बाद 28 आम यहां से तोड़ेगा और 30 आम यहां पर तोड़ेगा 15वें नंबर के पेड़ से। अब क्या करेंगे, मान लीजिए हम तीसरा भाई भी हो गया, अब चौथे भाई की बात करते हैं, चौथे भाई के लिए हम यहां पर नीले कलर में भरते हैं। देखिए अब हमें पता है कि हम तिरछा ही भर रहे हैं, तो 30 के बाद यहां पर क्या होगा, 32 आम यहां से तोड़ेगा, 34 आम यहां से तोड़ेगा, उसके बाद यहां से 36 आम तोड़ेगा, यहां से 38 आम तोड़ेगा और यहां से कितना आम तोड़ेगा, 40 आम तोड़ेगा। पांचवें भाई की जब बात आएगी, पांचवें भाई की जब बारी आएगा, ठीक है, पांचवें भाई, तो पांचवें भाई आम तोड़ेगा पांचों पेड़ से, तो 40 तो यहां से 42 आम वो यहां से तोड़ेगा, क्योंकि 21वें नंबर का पेड़ उनको मिला हुआ है। उसके बाद 42 के बाद 44 आम यहां से, 44 के बाद 46, 46 के बाद 48 और 48 के बाद 50। और ये मैंने कहा भी था, देखिए 2 से स्टार्ट करके हमने 50 आम तोड़ लिए, जो कि पेड़ के क्रमांक से जस्ट क्या है, 25 दुनी 50 मतलब डबल है, ये भी एक का डबल ये, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको हम किस प्रकार बांटे, इसको केवल आप एक ही प्रकार से बांट सकते हैं, मतलब इसको आप ऊपर से नीचे दिख रहा है ना, तो ये पहले भाई के लिए, दूसरे भाई के लिए, तीसरे भाई के लिए, चौथे भाई के लिए और पांचवें भाई के लिए आपको क्या करना है, जिस लाइन में दिख रहा है वो पहले भाई के लिए, सभी जो है एक एक भाई को हम क्या करेंगे, आम बांटेंगे। अब यहां पर देख सकते हैं प्रत्येक भाई के द्वारा जो तोड़ा गया आम है वो किसी भी पेड़ से तोड़ा गया है, सभी भाई को सभी भाई के द्वारा तोड़ा गया आम मिल रहा है, निश्चित रूप से यहां पर इनका जो योग है वो निश्चित बराबर होगा। तो इसको हमने एक विशेष तरीके से लिखा है, देखिए मैं आपको जोड़ के बता भी देता हूं, जैसे 6 और 4 10 होता है, 8 और 2 10 होता है, तो 10 और 10 तो 20 हो गया, हासिल कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इस दो को लेंगे, 2 दुनी 4 दो 6 और 6 4 10 3 कितना हो जा रहा है, 13 मतलब 130 आम हो रहे हैं। इसको हम इस विधि से भी जोड़कर बताएंगे, मतलब वर्ग समीकरण जब भी हल करते हैं, इस प्रकार के जो मैजिक स्क्वायर है उसको बनाते हैं तो हल कैसे करते हैं, इनको भी जोड़कर देख लेते हैं, है ना। यहां पर 6 4 10 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 10 20 का 2 हो जाएगा, है ना, शून्य हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा जी, ठीक है। 4 और 2 6, 6 3 9 10 11 12 और ये हो जाएगा 13, 130। इसी प्रकार सभी में 130 आएगा। लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूं कि ये योग को हम शॉर्टकट में कैसे जानेंगे, देखिए आपको क्या करना है, इसका एक तरीका है मैं बता रहा हूं। देखिए हमें अगर पता है इसका श्रेणी दिया था, पहला अंक कितना था, 2 था, उसके बाद 4 था, उसके बाद ऐसा ऐसा करके लास्ट में कौन सा था, 50, निश्चित रूप से एक समांतर श्रेणी है। और ये कितने बाई कितने का वर्ग पहली है, याद रखिए जितने बाई जितने का वर्ग पहली होगा, जैसे ये 5 बाई 5 का वर्ग पहली है, प्रथम संख्या 2 है, अंतिम संख्या 50 है, इसको जोड़ दीजिए और आपको इसको 2 से भाग देना है, चाहे वो कितने बाई कितने का हो। अगर ये, हाँ यहां पर याद रखना है, जितने बाई जितने का वर्ग होता है उसको यहां पर आपको लिखना है, और यहां पर तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को ही लिखना है, प्रथम संख्या 2 था, अंतिम संख्या क्या था, यहां पर 50 था, यहां पर देख लीजिए यहां पर, ठीक है। अब इसको जब आप हल करेंगे तो 5 गुणित यहां पर क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे, इसको आप चाहे तो हल करके मतलब गुना करिए या फिर गुना करके कटाइए, तो चलिए हम इसको पहले कटा देते हैं, यहां पर कितना आ जाएगा, 26। अब आपको 26 को गुना करना होगा किससे, 5 से, तो 5 6 का 30 का शून्य हो जाएगा और हासिल 3 हो जाएगा, 5 दुनी 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 130 तो यहां पर भी आ रहा है, निश्चित रूप से आम का बंटवारा बिल्कुल हुआ है। लेकिन मैंने बोला था कि आपको एक दूसरा तरीका बताने वाला हूं, तो वो दूसरा तरीका कौन सा है, जिसके माध्यम से आप किधर से भी बांट सकते हैं। और ये वाला ट्रिक जो है ना, वर्ग पहली बनाने का एक ऐसा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप किसी भी विषम संख्या वाले वर्ग पहली को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, चाहे 3 बाई 3 का हो, 5 बाई 5 का हो, 7 बाई 7, 9 बाई 9, 11 बाई 11, किसी भी प्रकार के वर्ग पहली को बना सकते हैं, यह एक बेहतरीन ट्रिक है। अब देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम भाइयों को पहले नहीं लिखेंगे, आपको क्या करना है, जो बंटवारा करना है पहली संख्याओं का आप यहां पर लिखिए, बीच से लिखना प्रारंभ करना है, 2 इधर छूटा है, 2 इधर छूटा है। अब यहां से आप तिरछा, चलिए मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा,
तिरछा चलेंगे और तिरछा चलते हुए अगर ऊपर बाहर आ जाए तो सबसे नीचे में संख्या भरिए, और तिरछा चलते हुए अगर इधर बाहर आ जाए तो सबसे लास्ट में इधर आएंगे उसी वर्ग में। तो देखिए ये बाहर यहाँ पे हुआ है ना, तो इसी वर्ग में आइए, अगली संख्या यहाँ पर आएगा चार, फिर तिरछा चलेंगे, तिरछा चल रहे हैं तो यहाँ पर छः आएगा। तिरछा चलते हुए जिस वर्ग में बाहर होता है, जिस वर्ग में यहाँ पर हो रहा है ना, निकला यहाँ से बाहर यहाँ पर हुआ, छः के बाद आपको आठ सबसे यहाँ लास्ट में आ जाना है, आठ। अगर आप तिरछा चल रहे हैं और जगह खाली है तो संख्या भरते जाइए, छः के बाद आठ हो गया, आठ के बाद यहाँ पर क्या आएगा दस, और संख्या यदि सामने जो है क्या है भरा हुआ है तो आगे आपको संख्या नहीं भरना है, जस्ट नीचे भरना है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा, हमने पहले भाई द्वारा आम तोड़ा गया उसको बांट लिए हैं, यहाँ पर हम कलर चेंज कर देते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि ये जो पहले भाई द्वारा आम तोड़ा गया है उसमें प्रत्येक लाइन में ये जो आम का टुकड़ा है वो आ रहा है, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं आम का जो फल है वो सभी वर्ग में आ रहा है, निश्चित रूप से आपने देख लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं उसके तहत अब दूसरे भाई की बात करेंगे। तो दूसरे भाई जो है, देखो तिरछा चलते हुए हम यहाँ तक आए थे तो जस्ट अगर सामने भरा हुआ है तो जस्ट नीचे आके आम भरेंगे, आम 10 है तो यहाँ पर कितना आएगा 12, फिर तिरछा चलेंगे तो यहाँ पर 14 होगा, 14 के बाद यहाँ पर 16 होगा, और ये जब बाहर निकल जाए तिरछा तो सबसे नीचे आ जाना है, तो 16 के बाद क्या आएगा यहाँ पर 18 आएगा, 18 के बाद ये तिरछा फिर से बाहर चला गया तो 18 के बाद किसकी बारी आ रही है, देखिए 18 के बाद आएगा यहाँ पर 20, ये देखिए यहाँ पर हमने 20 आम भर दिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सभी भाइयों के लिए मतलब हर लाइन में क्या हो गया है, आम आ गया है और पांच पेड़ से आम तोड़ लिया गया है, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। अगला आम जो है अगले भाई के द्वारा तोड़ा जाएगा, तो निश्चित रूप से इसको भी मैं अलग कलर में लिख देता हूँ। और मैंने आपको बताया है हमने लास्ट में यहाँ तक भरा था, तो यहाँ पर अगर सामने आम भरा हुआ है तो जस्ट नीचे भरना प्रारंभ करेंगे। तो 20 के बाद तीसरे भाई के द्वारा 22वें नंबर के मतलब 11वें नंबर के पेड़ से 22 आम तोड़े गए थे, तो 22 के बाद 24 आम यहाँ तोड़ेंगे क्योंकि तिरछा चलना है, 24 के बाद 26 आम यहाँ से तोड़ेंगे तिरछा चलेंगे, 28 आम यहाँ से तोड़ेंगे फिर तिरछा चलेंगे, उसके बाद 30 आम यहाँ से तोड़ेंगे। तो ये देखिए सभी वर्गों में और सभी जो पंक्ति दिख रहा है उसमें उसके आम आ गए हैं, चाहे वो कोई भी पेड़ का हो। लेकिन ऐसा करते हुए यदि कॉर्नर पे आ जाए तो यहां पे आपको तिरछा चलने का नियम नहीं लगाना है, यहां से आपको क्या करना है जस्ट नीचे आ जाना है ना, केवल कॉर्नर की बात कर रहे हैं, यहां पर आपको तिरछा नहीं चलना है, आगे नहीं बढ़ना है, जस्ट नीचे आएंगे। तो चौथे भाई की पारी आ गई, चौथे भाई क्या करेगा यहां से 32 आम तोड़ेगा, फिर तिरछा निकल जाएगा, ये भी तिरछा निकलेगा तो 32 में यहां पर आ जाएगा, बाहर निकलता है तो सबसे लास्ट में आते हैं यहां पर 34 आम वो यहां से तोड़ेगा, ये बाहर निकल गया, जैसे ही बाहर निकलता है तो हमें नीचे आ जाना है। 34 के बाद कितना आम यहाँ पर 36 आम यहाँ से तोड़ेगा, फिर 38 आम यहाँ से तोड़ेगा और 40 आम यहाँ से तोड़ेगा। ऐसा करने से देखिए इनके जो आम तोड़े गए हैं वो सभी वर्गों में आ रहा है, देखिए पहले इस वर्ग में सभी वर्ग में इनके आम तोड़े गए हैं वो आ रहा है, और सभी पंक्ति में भी आ रहा है, मिलान कर सकते हैं सभी पंक्ति में भी आ रहा है, मतलब हम बंटवारा किधर से भी करेंगे। अब हमारा लास्ट बंटवारा कहाँ तक, यहाँ तक हुआ था, अब हम आखिरी भाई की ओर चलते हैं, आखिरी भाई के द्वारा आम को तोड़ा जाना है ना। तो आखिरी भाई 42 नंबर से 42 आम तोड़ता है, तो हमने बताया है अगर सामने भरा हो तो हमें जस्ट नीचे भरना है, तो 42 आम यहाँ तोड़ेगा, 42 के बाद 44 आम यहाँ तोड़ेगा, और ये बाहर हो रहा है। जब भी बाहर हो तो जिस लाइन में बाहर होता है, जिस वर्ग में बाहर होता है उसमें लास्ट में आएंगे, तो यहाँ पर 42 के बाद यहाँ पर 43 आएगा, जी हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना जाएगा 43 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 43 यहाँ पर 44 आएगा, ठीक है, 42 के बाद 44 आएगा, 44 के बाद यहाँ पर क्या आएगा ये 46 आएगा, 46 के बाद फिर तिरछा चलेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा, और ये बाहर निकल गया है। जैसे ही बाहर निकलेगा तो हमें क्या करना है, बाहर निकलता है तो जिस वर्ग में बाहर हुआ है उसी में लास्ट में आ जाना है, और ये हो गया 50। अब देखिए इसको आप किधर से भी किसी भी भाई को दे सकते हैं, हर भाई द्वारा आम तोड़ा गया है ना वो हर भाई को मिल जाएगा। कैसे, मान ले जाइए पहले भाई को देते हैं, ये दूसरे भाई को देते हैं, तीसरे भाई को देते हैं, चौथे भाई को देते हैं, पांचवें भाई को देते हैं, योग भी कितना आना चाहिए 130 ही आना चाहिए। अब देखिए इसमें हमें जो, इसीलिए मैंने अलग अलग कलर में लिखा है, ये देखिए सभी प्रकार के कलर इस लाइन में आपको मिल रहे हैं, मतलब सभी भाई द्वारा तोड़े गया आम जो उसको मिल रहा है। ऊपर से नीचे लेंगे ना तब भी देख सकते हैं, ऊपर से नीचे में भी आपको सभी प्रकार के कलर मिल रहे हैं, पांच कलर मिल रहे हैं सभी लाइन में, मतलब सभी भाई द्वारा तोड़ा गया आम सभी भाइयों को मिल रहा है। चाहे तो आप भाई कोई पहले भाई, दूसरा भाई, यहां पर तीसरा भाई, चौथा भाई और पांचवा भाई को इस प्रकार के आम बंटवारा करेंगे तब भी आम बंटवारा मिलेगा, बराबर मिलेगा, और सभी भाई को सभी भाई द्वारा तोड़ा गया आम भी मिलेगा। जोड़कर देख लेते हैं, जैसे यहां पर देखिए मैं जोड़ रहा हूं, 4 और 2 कितना हो रहा है 6 हो रहा है, 6 6 12 हो रहा है, 12 18 का 20 हो रहा है, हासिल 2।
और हासिल दो करके 3 और 2 5 और 5 और 3 8, 8 4 12 और 12 और 1 कितना हो रहा है 13 हो रहा है, मतलब 130 आम तो हो ही रहा है, तो ऊपर से नीचे तो 30 हो रहा है। बाएं से दाएं भी आप कहीं से भी जोड़ सकते हैं, जैसे 8 और 2 10 कर देंगे, है ना, और यहाँ पर देखिए 6 4 10 करेंगे, 10 और 10 का 20 का शून्य हासिल 2 हो जाएगा। अब 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया, 5 और 2 7 8 9, 9 और 4 कितना हो रहा है यहाँ पर 13 हो रहा है। निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है वो बन गया है, और ये दोनों ही विधि बहुत ही मजेदार है, निश्चित रूप से आपको एक नया तरीका सीखने को मिला होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।